नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एप्पल आईफोन 12 मिनी वर्सेस OnePlus 9 RT का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो iPhone 12 mini में 5.18 इंच जबकि 9 RT में 6.39 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो iPhone 12 mini में 2.53 इंच जबकि 9 RT में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो iPhone 12 mini में 0.29 इंच जबकि 9 RT में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि iPhone 12 mini से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो iPhone 12 mini में 133 ग्राम जबकि 9 RT में 198.5 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि iPhone 12 mini से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो iPhone 12 mini में OLED जबकि 9 RT में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो iPhone 12 mini में 19:5:9 जबकि 9 RT में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो iPhone 12 mini में 5.4 इंचेस जबकि 9 RT में 6.62 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन iPhone 12 mini में 1080x2340 और 9 RT में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो iPhone 12 mini में 84.6% जबकि 9 RT में 87.44% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो iPhone 12 mini में 477 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 9 RT में 398 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो iPhone 12 mini में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में तारांकन अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और 9 RT की बात करें तो इसमें तीन कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो iPhone 12 mini में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 9 RT की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो iPhone 12 mini में Apple GPU 4-Core Graphics जबकि 9 RT में Adreno 660 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो iPhone 12 mini में Apple Bionic और 9 RT में Qualcomm Snapdragon 888 मिलता है। बात करें RAM की तो iPhone 12 mini में तीन वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB, 4 GB, 4 GB की RAM मिलती है जबकि 9 RT में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB, 12 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो iPhone 12 mini में तीन वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB, 128 GB, 256 GB की स्टोरेज मिलती है जबकि 9 RT में दो वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB, 256 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो iPhone 12 mini में iOS V14 जबकि 9 RT में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी iPhone 12 mini में 2227 mAh जबकि 9 RT में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो iPhone 12 mini में 6 कलर्स जबकि 9 RT में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो iPhone 12 mini में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 58,999 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 55,199 रुपीस, 4 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 59,199 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नॉर आरटी की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 46,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो एप्पल आईफोन 12 मिनी में 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें वन प्लस 9RT की तो उसमें 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में आईफोन 12 मिनी आगे है, मेन कैमरा में 9RT आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में आईफोन 12 मिनी आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वन प्लस 9R है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G है, तीसरा मोटरोला H20 Pro है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो V23 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।